हाँ भाई, तो आज जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ही शौक करके बोल सकते हो कि एक अच्छी कैमरे वाली फ़ोन ख़रीदा जाए, क्योंकि मेरा जो दूसरा फ़ोन था पहले वाली रेडमी 5A वो नष्ट हो चुका है। ठीक है, उसका बैटरी वगैरह चल नहीं रहा, चार्ज नहीं रह रहा, ठीक है, बहुत हीटिंग हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई अब कुछ अच्छे ब्रांडिंग का फ़ोन लिया जाए, ब्रांड का, ताकि मेरे को कैमरा वगैरह सारे कुछ अच्छे मिले और जो ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग हो वो भी हो। तो ये सारे चीज़ सोच कर मैंने सैमसंग का ये गैलेक्सी M21 वाली जो है 2021 का एडिशन, ये मैंने ऑर्डर किया था। पर ये सारी चीज़ें अच्छी है, इसका डिस्प्ले भी अच्छी है। बाय द वे, यहाँ पर कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वगैरह की प्रोटेक्शन नहीं है, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं हाँ प्रोटेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं फ़ोन वगैरह को बहुत केयरफुली मैं हैंडल करता हूँ, तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे को ये फीचर मिला सिर्फ एक चीज़ के बारे में, मैं इस फ़ोन को ऑर्डर किया था, ठीक है, और उसी से मैं गलती भी किया है, उस फीचर के लालच में बोल सकते हो। तो क्या है कि ये जो 12,000 में, ठीक है, मेरे को 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ये फीचर सैमसंग गैलेक्सी M21 एडिशन में दिया गया है, जो कि बाकी इतनी इस प्राइस रेंज में रियलमी हो, रेडमी हो, ठीक है, वो सारे ब्रांड्स या कुछ भी बोले, वो फ़ोन में ये फीचर नहीं दिखा रहा था। तो इसलिए मैंने सैमसंग का ये फ़ोन लिया। पर अब दिक्कत भाई तो शुरू हो रहा है, मतलब शुरू हो रहा, मतलब पहले दिन से ही है। मैंने फर्स्ट फ़ोन जो डिलीवर्ड हुआ था उसे रिप्लेसमेंट भी करवाया, ये मैं सेकंड, मतलब रिप्लेसमेंट के बाद ये डिलीवर्ड किया गया, तो इसी में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक ठाक है। बाय द वे, फ्रंट कैमरा से कर रहा हूँ मैं, तो फ्रंट कैमरा में ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, ये बैक कैमरा में है, ठीक है। बट मेरे को इशू जो आ रहा है वो मैं बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट होता है ना उस पोर्शन में, आप देखोगे, चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर हीटिंग इशू आ रहा है। मतलब मैं कुछ टाइम के लिए मेरा लैपटॉप चलाने के लिए, वहाँ पर नेट चलाने के लिए मैं हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ, तो मतलब 10 से 15 मिनट के बाद ही वो हीटिंग इशू स्टार्ट हो जा रहे हैं, मतलब बहुत ही हीट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कोई पुराना फ़ोन है, मेरा रेडमी 5A जैसे हीट हो रहा था रिसेंटली, ठीक है, हॉटस्पॉट चलाने के बाद। तो उसका एक सिस्टम होता था कि वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो नोटिफिकेशन भेज रहा है कि आपका जो GPS है, हॉटस्पॉट है, ये सारे चीज़ें ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये रेडमी का वो फीचर यहाँ पर रहता या रेडमी फ़ोन होता तो शायद वो नोटिफिकेशन आ जाता है, इतना हीट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कुछ देर हॉटस्पॉट वगैरह चलाने के बाद। और दूसरी चीज़ ये है कि चार्जिंग का जो टाइम है वो लगभग 3 आवर 20 मिनट है, ठीक है। अगर 0 से आप 100 तक चार्ज करना चाहते हो तो आपका लगभग 3 आवर्स एंड 20 मिनट तो देना ही पड़ेगा, चार्ज में कंटिन्यूस लगा के रखना पड़ेगा, कोई पावर कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट वो ठीक है, मेकअप कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम इज़ दैट इतना सारे चार्ज होने के बाद भी सैमसंग ने प्रॉमिस किया है, उसको वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा है कि भाई ये नेट ऑन करके ये 22 आवर तक आपको सर्विस देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं नेट ऑन करके थोड़ी मोड़ी चैटिंग भी कर रहा हूँ ना तो लगभग 1% ड्रेन होने के लिए मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लग रहा है, ठीक है, 3 से 4 मिनट में 1% चार्ज ख़त्म हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये जा नहीं रहा 22 आवर्स मैक्सिमम। अगर मैं कंटिन्यूसली डिस्प्ले को ऑन रखूँ, मतलब कुछ ना कुछ करते रहूँ, चैटिंग वगैरह, ये जस्ट नॉर्मल गूगल वगैरह भी करते रहूँ, तो मैं थोड़ा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये गाय है, ठीक है, तो चैटिंग वगैरह करता रहूँ या सर्फिंग करता रहूँ, गूगल में सर्फिंग करते रहूँ, तो ये लगभग, और तो बीच में थोड़ा अगर यूट्यूब कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत कि 2-3 आवर का, तो ये मैक्सिमम आपको 9 आवर तक की सर्विस मेरे को दे रहा है, ठीक है। मतलब ये बैटरी जो है 9 आवर तक जा रहा है, बट इतना काफ़ी नहीं है भाई, आप प्रॉमिस कर रहे हो 22 आवर्स का, ये दे रहा हो 9 आवर्स का, तो कैसे चलेगा, और ऐसे काम भी नहीं चलने वाले, ठीक है। क्योंकि अगर मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं होगा, चार्ज ही नहीं रहेगा, तो मैं 4K फीचर लेके क्या करूँ, ठीक है। तो अमेजोन से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि भाई ये रिप्लेसमेंट, अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी कंपनीज फ़ोन वगैरह बेच रहा है कि ये रिप्लेसमेंट का चक्कर है, जो भी है, फ्लिपकार्ट में तो सीधा सीधा लिखा है कि भाई कोई रिटर्न नहीं होगा, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जब किसी फ़ोन के बारे में रिसर्च करते हैं तो अब अलग लगती है, ठीक है, और उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस या जो प्रॉमिस करती है वो प्रॉमिस एक्चुअल में ज़्यादातर फ़ोन में होती ही नहीं। तो
डिफर करती है एक्सपीरियंस, यूजिंग एक्सपीरियंस, जो यूज़र एक्सपीरियंस। तो आप एटलीस्ट आप 3 डेज का रिटर्न पॉलिसी रखिए कि 3 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, और हो सके उस आपको जो रिटर्न पैसा जो मिलेगा, रिफंड जो मिलेगा, उसी पैसे से आपको हम ही से फ़ोन ख़रीदना है। ऐसे कुछ आप कंडीशन रख सकते हो, बट एटलीस्ट रिटर्न ऑप्शन रखना चाहिए, ठीक है। और मैं सैमसंग को यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। आप मार्केट कैप्चर करना चाहते हो कि जो लो बजट की फ़ोन खरीद रहा है उसके पॉकेट भी सैमसंग की ब्रांडिंग हो, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। हमें वो ब्रांडिंग वगैरह नहीं चाहिए कि हमारा फ़ोन में सैमसंग की ब्रांडिंग हो। हमें चाहिए एक अच्छी फ़ोन, ठीक है, जो कि बहुत दिन तक चले, एटलीस्ट 3 साल 2 साल तो चलते रहे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स लाइक दिस हीटिंग इशूज़, फर्स्ट बैटरी ड्रेनिंग इशूज़, राइट। ये सब नहीं होना चाहिए भाई। और एक चीज़ आपको जो मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि आप हमारा YouTube वगैरह में बहुत सारे रिव्यू स्टार है, मतलब रिव्यूज़ के बारे में वीडियो बोलते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये फ़ोन ख़रीदने के बाद ये फील हुआ कि भाई ये लोग ना एक्चुअल रिव्यू नहीं दे रहा है, ये लोग सेल्स पिच दे रहा है उस कंपनी के लिए या उस पर्टिकुलर मॉडल फ़ोन के लिए। ये एक्चुअली सेल्स पिच दे रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल रियल लाइफ जो फीलिंग्स है या यूज़र एक्सपीरियंस है वो शेयर ही नहीं करते भाई, वो फीचर्स के बारे में बात करते रहते। तो आप इन सब से ज़रूर देखिए, ठीक है, समझिए जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो उसके बारे में आपको इनसाइट मिलेगा कि हाँ कैसा है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, और बाद में भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे चीज़ है, बट हाँ, तो अच्छे से रिसर्च करिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई ये ब्रांड का फ़ोन है, मतलब ये अच्छी ब्रांड है तो ये सार भी अच्छी करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे को दोस्त लोगों ने बताया कि भाई ये सैमसंग जो है ना, ये कम बजट में ये अच्छी चीज़ें नहीं ला पाते। तो रेडमी अच्छा है, रियलमी ही अच्छा है अब, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप थोड़ा सोच समझ के आपका पैसा खर्च करिए, ठीक है। ये नाम वगैरह कुछ नहीं होते, बेकार की होती है, ठीक है, ये ब्रांड वगैरह। बस इतना ही, और क्या, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।